सो हे गाइस, स्वागत आप सभी का टॉप 5 ऑफलाइन हॉरर गेम्स के एक और न्यू एपिसोड में। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 ऑफलाइन हॉरर गेम जो कि आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएंगी। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जो आपको इस चैनल पर गेमिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। सो हिट द सब्सक्राइब बटन। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये लिस्ट में नंबर 1 पर आ जाती है एंडलेस नाइटमेयर। और गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी हॉरर गेम होने वाली है। एंड गाइस, अगर आप सोचो कि आप एक बिल्डिंग में बंद हो, उसके मतलब कि जितने भी रूम है उस बिल्डिंग में उसमें कोई भी नहीं है, एंड उसमें आप फंस गए हो, मतलब कि लॉक कर दिया गया है आपको, ठीक है, और आपको कीज़ वगैरह चाबीज वगैरह नहीं पता है कि कहाँ पर रखी हैं दरवाजे की कीज़, ठीक है, तो कुछ अलग अलग टाइप की इसमें पजल भी होंगी, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पजल भी होंगी, ठीक है। एंड हॉरर एक्टिविटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी जो कि बिल्कुल लाइव होंगी आपकी आंखों के सामने, ठीक है। और गाइस, इसी टाइप की कुछ गेम है। एंड गाइस, गेम जो गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री है, एंड गेम का जो मतलब कि साइज है लगभग 100 MB के करीब है, 10-5 MB ज़्यादा भी हो सकता है, तो उससे कोई डरने की बात नहीं, आप इजीली इंस्टॉल कर लोगे, हर एक डिवाइस में इजीली सपोर्ट कर जाएगी, लो से हाई रैम डिवाइस के सभी मतलब कि जितने भी वेरियंट आते हैं, ठीक है। तो गाइस, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो इस गेम को भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एक हॉरर टाइप की गेम है। सो ये लिस्ट में नंबर 2 पर आ जाती है डेड पार्क 2। और गाइस, इस गेम को स्टार्ट करते ही आपको पता लग जाएगा कि गेम आखिर कितनी ज़्यादा डरावनी हो सकती है, ठीक है। और गाइस, गेम की स्टोरी कुछ इस टाइप की होने वाली है कि आपके मम्मी पापा घर पर नहीं होते और आपकी सिस्टर अपने अपने रूम में सो रहे होते हैं। जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो आपको पता लगता है कि आपकी सिस्टर जोर जोर से चीख रही है, ठीक है। और जैसे ही आप अपने सिस्टर के रूम में जाते हो तो आपको पता लगता है कि उसको एक गोश्त ने किडनैप कर लिया है, मतलब कि किडनैप आपके सामने ही करेगा, एंड आपके सामने ही ले जाएगा, एंड आगे आपने करना कुछ नहीं है, बस अपने सिस्टर को बचाना है। गेम में अलग अलग टाइप की पजल देखने को मिल जाएंगी एंड गोश्त भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हॉरर टाइप की गेम होने वाली है। गेम का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री है, एंड गूगल प्ले स्टोर पर जो साइज़ है लगभग 150 MB के करीब है, जो कि आप इजीली हर एक डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर पाओगी। एंड गाइस, लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो इस गेम को भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। सो लिस्ट में नंबर 3 पर आता है अंटार्कटिका 88। और गाइस, इस गेम को मतलब बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंटार्कटिका 88 प्रो का भी एक वर्जन आता है, एंड प्रो वर्जन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर गेम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। प्रो वर्जन में मतलब कि आपको ऐड देखने को नहीं मिलेंगे, गन आप फ्री में रिलोड कर सकते हो, पर अंटार्कटिका 88 मतलब फ्री वर्जन अगर आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे तब आप जब भी अपनी गन रिलोड करोगे तो आपको एक ऐड देखनी पड़ेगी, बस इतना ही डिफरेंस है। अब बात करते हैं गेम में, गेम जो एक हॉरर एक्टिविटी पर बेस्ड है, ठीक है। और गाइस, इसमें आप अपने फ्रेंड के साथ मतलब कि ट्रिप पर जाते हो फ्रेंड्स के साथ, एंड होता ये कि आपके फ्रेंड्स आपसे मतलब कि आपको छोड़कर चले जाते हैं, एंड आप वहाँ पर फंस कर रह जाते हो। फिर आपको अलग अलग टाइप के मतलब गोश्त भी इसमें देखने को मिलेंगे जिनसे आपने सामने करता हुआ मतलब कि फाइट करते हुए आगे बढ़ना है एंड यहाँ से निकलना है, ठीक है। गेम जो गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी, बट हाँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अंटार्कटिका 88 प्रो वाला वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। लिस्ट में नंबर 4 पर आती है हॉरर हॉस्पिटल 3। और गाइस, हॉरर हॉस्पिटल 1 और 2 तो आपने खेली होंगी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही हैं, वहीं पर आ जाती है हॉरर हॉस्पिटल 3 भी गेम, ठीक है। और गाइस, इस गेम में स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे आप मतलब कि ट्रेन कर दिया जाएगा आपको पूरी तरह से खेलने के लिए, ठीक है। और गाइस, गेम के स्टार्टिंग में आप देखोगे कि आपका करेक्टर जो है मतलब कि बाइक पर चल रहा होता है, तभी एक हॉरर एक्टिविटी होती है आपके सामने, देन आपका बाइक से कंट्रोल मतलब कि हट जाता है, फिर आपका जो है एक्सीडेंट हो जाता है, एंड एक्सीडेंट होता है वो एक वूमेन होती है एंड उस पर मतलब कि उसको चोट लग जाती है, फिर उसके लिए आपको मेडिसिन लेने जाना है दूर, ठीक है। वहाँ जैसे ही आप मेडिसिन लेने जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर एक गोश्त पहले से ही है, अब आपने उस गोश्त को किल करना है, फिर मेडिसिन लाना है, फिर उस लेडी को देनी है, ठीक है। लेडी ठीक होने के बाद आप आगे की स्टोरी कंप्लीट मतलब कि कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। गेम जो गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री है, एंड गेम का जो साइज लगभग 100 MB के करीब है, एंड गाइस, गेम जो पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाली है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो इस गेम को भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। लिस्ट में नंबर 5 यानी कि आखिरी गेम आ जाती है फेयर द डेड। और गाइस, ये मतलब इसकी स्टोरी होती है एक रूम से, एंड एक रूम में आपको कैद कर दिया जाता है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पुराना रूम होता है, एंड वहाँ पर आपको मतलब कि किसने कैद किया है वो आपको कुछ भी नहीं पता है, एंड आपको एक रूम में कैद कर दिया जाता है, देन उसी में उसकी चाबी भी होती है, ठीक है। चाबी से आपने दरवाजे को खोलना है, देन बाहर जाना है एंड वहाँ से निकलना है। अलग अलग टाइप के आपको हॉरर एक्टिविटी इस गेम में भी देखने को मिल जाएंगी जैसे कि आपको पिछली गेमों में देखने को मिल रही थी, ठीक है। बट हाँ, ये गेम थोड़ी सी आपको लो क्वालिटी लगेगी क्योंकि इसके ग्राफिक जो हैं बिल्कुल नाइट में मतलब कि हैं, ठीक है, मतलब कि नाइट की गेम है बिल्कुल, तो आप इसको नाइट में खेलोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मतलब कि ज़्यादा अच्छी तरीके से देखेगा, ठीक है। तो इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री है, एंड गेम का जो साइज है लगभग
150 MB के करीब है, जो कि आप इजीली हर एक डिवाइस में इंस्टॉल कर पाओगे। सो दिस इज आई होप आप लोगों को ये टॉप 5 हॉरर ऑफलाइन गेम्स पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। सो आज की वीडियो इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।